मकान बनाने के विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हुए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। आपको बता दें कि मामला कैंट थाना के सिंगड़िया इलाका का है, जहां रविवार की सुबह एक पक्ष द्वारा अपनी जमीन पर मकान निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन मकान निर्माण में लगने वाली सामग्री सड़क पर रखी गई थी, जिस पर दूसरे पक्ष को एतराज था। दोनों पक्षों के बीच पहले तो कहासुनी हुई, लेकिन ये कहासुनी धीरे धीरे मारपीट और पत्थरबाजी में तब्दील हो गई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची डायल 100 की टीम ने जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। वहीं घायलों में एक की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है, जिसे मौके पर उपचार के बाद डॉक्टरों ने तत्काल मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। मौके पर पहुंची डायल 100 की गाड़ी 317 पर तैनात पुलिस कर्मियों के बीच बचाव करते हुए घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए गंभीर रूप से घायल युवती के भाई सोमनाथ साहनी ने कहा। लड़ जा टूट जाएगा साइलेंसर, वो जो पत्नी है उनकी तुरंत गरियाने लगी, इसको उल्टा सीधा बोलने लगी, तो भी बोली है उसी पर उसको पैसा कर सोमनाथ साहनी जी सर, भाई को जैसे घर इनका बन रहा है, तो घर बनना ये गाड़ी भाई निकाला है, तो भाई गाड़ी जब निकाला है तो भाई को भी बोली है, कहे आराम से गाड़ी निकालूगा, है घाव और लग जाएगा ना, साइलेंसर टूट जाएगा। उसी चक्कर में इनकी पत्नी थी, उनकी गाड़ी देने लगी हैं, गाली देकर उसके बाद से बगे को हम भाई मझिला वाला था, वो भी हाथ बढ़ा कर चला गया है, हम सोए हुए थे, उसके बाद से इसको सब मारने लगे हैं, सब मारने लगे हैं। भांजा भी छोटा है, वो भी मामा उठाकर हमको उठाकर लेकर गया है। सर ये कपड़ा, ये पूरा दाग से लगा हुआ, ये कपड़ा, ये दुपट्टा है साफ। कौन थे जो इनको मारते हैं? अरे विपक्षी घर के बगल वाले थे, बगलगीर दीनानाथ साहनी और उनके उनकी पत्नी और उनके पूरे फैमिली वाले, बगलगीर के दो लोग और थे, उसमें मिलकर मारे हमको मेरे बहन को।